हेलो एवरीवन, मैं मीना स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में ये ब्यूटीफुल सा रक्षाबंधन मेकअप लुक शेयर कर रही हूँ। राखी बस आने ही वाली है तो मैंने सोचा क्यों ना एक बढ़िया सा लुक क्रिएट किया जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, पसंद तो आएगी ही आपको, तो प्लीज़ अभी से करें लाइक कर देना। चैनल पर न्यू है, फर्स्ट टाइम विजिट किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करिएगा आगे की नोटिफिकेशन के लिए। जो भी वीडियो आएगी मेरी सबसे पहले आप तक ज़रूर पहुँचेगी। और ढेर सारा मुझे प्यार एंड सपोर्ट दीजिए। फेस वॉश अल्प गुडनेस का मैंने लगाया, रोज़ टोनर काफ़ी अच्छा बजट में टोनर है, आपके फेस को बहुत अच्छे से हाइड्रेटेड कर देता है। नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ पॉन्ड्स का लाइट मॉइस्चराइज़र, ये भी बजट में काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइज़र है। जो आपके पास अवेलेबल है वो लगा सकते हो, आप रोज़ वाटर भी एज अ टोनर लगा सकते हो। जो प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है वही लगा लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है जो प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ उसे आप लगाओ। यहाँ पर मैंने इनसाइड का 3-in-1 प्राइमर लिया है, काफ़ी अच्छा बजट में ये भी प्राइमर है, आपके पोर को ब्लर आउट कर देता है और बहुत ही अच्छा फ्लॉलेस बेस आपको मिलता है इसे अप्लाई करने के बाद। और प्राइमर ज़रूर लगाएं मेकअप के पहले, मस्ट है। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ सुनीसा का ये फाउंडेशन, ये काफ़ी टाइम पहले मैंने लिया था, 1 साल हो गया आई थिंक, 1 से 1.5 साल, बहुत ही वायरल हुआ था ये। मैंने 1-2 बार इसको यूज़ किया, ऐसे ही पड़ा था, मैंने कहा चलो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ नहीं तो एक्सपायर हो जाएगा। तो वैसे भी सेल्फ लाइफ 3 ही साल की होती है मेकअप प्रोडक्ट की। अब इसको, ये मेरे स्किन से बहुत ही ज़्यादा लाइट था, यही वजह थी मैं नहीं लगाती थी इसको, तो मैंने आज इसको अपने शेड में बनाया। यहाँ पे मैंने कॉन्टोर स्टिक ली, इसमें से थोड़ा सा मैंने स्टिक मिला के इसको मैंने अपने शेड में बना लिया। आप देख सकते हैं थोड़ा सा लाइट है बट ब्लेंड करने के बाद बिल्कुल स्किन से मेरे मैच कर रहा है, आप देख सकते हो। मैंने देखिए अपने लेफ्ट वाले गाल पे यहाँ पे कस्टमाइज वाला फाउंडेशन बनाया और उसके पहले राइट साइड वाले पे मैंने यहाँ पे लगाया था सुनीशा वाला, तो देखो कितना लाइट है। और यहाँ पे देखिए मैंने अपने अकॉर्डिंग इसको बना दिया। तो आपके पास भी ऐसा कोई लाइट फाउंडेशन है तो उसमें आप कॉन्टूर शेड या ब्राउन आई शेडो मिला के अपने शेड का आप बना सकते हो। प्रोडक्ट ऐसे वेस्ट मत करिए, पैसे लगे होते हैं इसलिए इसको अच्छे से यूज़ कर लीजिए, हैक काफ़ी सारे अवेलेबल हैं। सो ये था और यहाँ पे मैंने इसको लगाया, ब्लेंड कर लिया, कवरेज बिल्कुल भी नहीं देता है, बहुत ही मीडियम कवरेज है। और यहाँ पे मैं बहुत लाइट बेस मेकअप कर रही हूँ बिकॉज डे का मेकअप है, रक्षाबंधन के लिए मैं शूट कर रही हूँ, सो इसलिए लाइट मेकअप रखें ज़्यादा बेटर है। आप इस BB CC क्रीम भी लगा सकते हो। कंसीलर मैंने मामा अर्थ का लगा लिया है इस तरह से, और ये भी थोड़ा सा मीडियम कवरेज देता है कंसीलर, इसलिए जब भी आपको कंसीलर से हाई कवरेज चाहिए तब थोड़ा सा उसको लगा के 2-3 मिनट के लिए छोड़ दो, तो जब आपका 70-80% ड्राई हो जाए तब ब्लेंड करिए तो अच्छी कवरेज देता है। उसके बाद मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, तब तक मैं आईब्रो फिल कर लूँगी। आज आईब्रो फिल करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है मैजिक फ्लावर का ये जेल आईलाइनर, सो इसको मैंने ब्राउन शेड में लिया। इसमें 2 शेड मिले थे मुझे, एक ब्लैक एक ब्राउन, तो ब्राउन शेड मैंने अप्लाई किया, कभी कभी जवानी स्लिप हो जाती है, सो इस तरह से मैंने लगाया। क्योंकि अगर आपकी लाइट आईब्रो है ना तो आप ब्राउन के साथ ही जाओ, ज़्यादा बेटर है, नेचुरल लगती है। ब्लैक लगा लेते हैं ना बहुत थोपा थोपा सा लगता है, अननेचुरल लगता है वो। अब थोड़ा सा ना इससे कंसीलर जो मैंने ब्लेंड किया ब्रश में लगा था प्रोडक्ट, तो आईब्रो को भी शार्प कर लिया, अच्छे से ब्लेंड कर लिया। अब देखिए जो सोनीसा फाउंडेशन है वो ना फिनिश बहुत अच्छी देता है, बट तो अगर आपके दाग धब्बे वगैरह हैं तो वो विजिबल होते हैं। जैसे कि अभी मुझे डिलीवरी के बाद ना पिगमेंटेशन हो गई, डार्क सर्कल हो गई है, सो मेरे जो थोड़े बहुत दाग धब्बे होंगे वो दिख रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, भी पूरा मेकअप जब कंप्लीट होगा तो अच्छा लगेगा। यहाँ पे ब्लश मैंने अप्लाई कर लिया है, अब यहाँ पे कॉन्टोर करूँगी। अगर आप कॉन्टोर नहीं करना चाहते हैं तो स्किप कर दीजिए, बट मुझे पूरा मेकअप ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप शेयर करना है आपके साथ, इसलिए मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप मेकअप कर रही हूँ। बेसिकली बिगनर्स के लिए मैं मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करती हूँ, अगर आप बिगनर हैं, आपको मेकअप नहीं आता है, आप सीख रहे हो, सो बहुत ही इजी इजी स्टेप के साथ में मैं वीडियो शेयर करती हूँ, ट्यूटोरियल बनाती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग देखा करो और मुझे बताया करो किस टाइप की वीडियो आपको चाहिए, क्या देखना चाहते हो। आप लोग तो बिल्कुल मेरी वीडियो को रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हो, सो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है गाइज, अगर वीडियो में कोई कमी हो तो मुझे बताओ, आप मुझे बताओगे तभी तो पता चलेगा या किस टाइप की वीडियो देखना है आप, वो मुझे बताया करिए, बट देखा करिए, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए कॉन्टूर को अच्छे से मैंने ब्लेंड किया, उसके बाद यहाँ पे मैं बेकिंग कर रही हूँ। बेकिंग करने के बाद मैं छोड़ दूँगी 2 से 3 मिनट के लिए ताकि अच्छे से क्या कहते हैं बेक हो जाए फेस। इससे क्या होता है ना कि मेकअप आपका जो है वो लॉक हो जाता है, लॉन्ग स्टे करता है, खासकर गर्मी में, तो बेकिंग ज़रूर करें।
ठीक है, आप अंडर आई आपकी थोड़ा सा ब्राइटनेस भी हो जाती है बेकिंग करने से, तो अच्छा लगता है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने ये हुडा ब्यूटी का शेडो पैलेट लिया है और इसमें से मैंने लाइट ब्राउन शेड लिया है, उसको मैंने अपने क्रीज लाइन पे अप्लाई किया। देन मैं अब थोड़ा थोड़ा आउटर कॉर्नर पे ले रही हूँ, इससे थोड़ा सा डार्क कलर कलर है आई थिंक, थोड़ा सा ना ये मजेंटा है, पिंक, डार्क पिंक। तो इस तरह से मैं आउटर कॉर्नर पे ब्लेंड करूँगी, फिर धीरे धीरे अपने इनर कॉर्नर तक लेके जाऊँगी, तो इस तरह से लगा लूँगी। और आई मेकअप भी मैं बहुत मतलब सॉफ्ट करना चाह रही थी, बट मैंने पता नहीं क्या किया, कैसे करते 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 मैंने सोचा था कुछ और हो गया कुछ और। ऐसे ही होता है, मेकअप में एक्सपेरिमेंट भी ज़रूरी होता है। मैंने कुछ सोच के रखा था बट हो गया कुछ, ठीक है। तो अभी आप देखिएगा मैंने क्या किया। उसके बाद यहाँ पे मैंने ये लाइट पिंक शेड लिया है, बहुत ही बेबी पिंक सा शेड है, और उसको मैं पहले सेंटर आईलेट पे ब्लेंड करूँगी, जहाँ पे हमारा आई बॉल होता है, मतलब वहाँ पे अप्लाई करूँगी, सॉरी। उसके बाद फिर धीरे धीरे इनर कॉर्नर तक लेके जाऊँगी और एडजस्ट को मेंटेन कर लूँगी सेम ब्रश की हेल्प से, जहाँ पे आउटर कॉर्नर पे ब्लेंड किया था। लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई कर लेंगे इस तरह से, और फिर उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करूँगी मैं लाइनर। लाइनर एन वाई बी का लिया, गाइस क्या कमाल का है ये, इसको मैंने सेल में लिया था, मेरा पर्पल डॉट कॉम पर जब मैंने फर्स्ट टाइम शॉपिंग करी थी तब मैंने मंगाया था। आई थिंक 2 साल हो गए हैं और काफ़ी अच्छा है, अभी तक ड्राई भी नहीं हुआ और चल रहा है मेरा, क्वांटिटी भी इसकी बहुत ज़्यादा है और बहुत अच्छा है, लॉन्ग स्टे भी करता है, वाटर प्रूफ ही है। सो इसको मैं लगा लूँगी नॉर्मल लाइनर की तरह, इस तरह से मैंने लगाया है। अब लिटिल विंग मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ कर लूँगी, आप अपने अकॉर्डिंग लगा लेना। अगर आप बिगनर है ना तो आप स्केच लाइनर का यूज़ करें, उसमें आपको आसानी हो जाएगी लाइनर अप्लाई करने में, ठीक है, अगर आपके हैंड शेक वगैरह होते हैं तो। इस तरह से लिटिल विंग मैं बना लूँगी, दोनों साइड मेरा लाइनर ड्रॉ हो गया है। अब देखो यहाँ पे मुझसे क्या हो गया था भाई साहब, मैं होता है मेरे साथ ऐसे ही होता है, जब भी मैं वीडियो बनाना होता है मुझे ना, मैं बैठती हूँ और मैं लेंस अप्लाई करना भूल जाती हूँ। आज भी मुझे जब मैंने आई मेकअप कंप्लीट कर लिया तो मुझे याद आया, अरे यार मैंने तो लेंस ही नहीं वेयर किया। लेंस वेयर कर लेते हो ना तो आई मेकअप का लेवल आपके बढ़ जाता है, अच्छा अच्छा लगता है ना। अब यहाँ पे मैंने व्हाइट कंसीलर लिया है, बर्ड्स की हेल्प से मैं इस तरह से पैलेट से निकाल के लगा रही हूँ। अब इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ ये अपनी साड़ी से मैच करता हुआ मैंने शेड दिया ब्लू कलर, और इस तरह से मैं उस पर लगा लूँगी। व्हाइट कलर मैंने इसलिए लगाया ताकि पिगमेंटेशन जो है आई शेडो की वो निकल के आए, ठीक है, तो ब्राइट लगे थोड़ा सा, तो इसलिए बर्ड्स की हेल्प से ही मैं लगा ले रही हूँ। अगर आपके पास भी कलरफुल काजल नहीं है ना तो फालतू पैसे मत बर्बाद करिए, वेस्ट मत करिए, मैं तो बिल्कुल नहीं करती हूँ। बस इस तरह से आई शेडो से आप अपना लाइनर खुद बना सकती है, जो भी मन चाहे आप काजल या आईलाइनर आई शेडो की हेल्प से लगा सकते हो। बहुत सारे हैक हैं यूट्यूब पे, तो देख लीजिएगा, कई सारे हैक तो मैंने भी शॉर्ट में शेयर किए हैं। अब यहाँ पे मस्कारा मैं लगा लूँगी। अच्छा, अगर आप शॉर्ट वीडियो देखने में इंटरेस्टेड है ना तो मेरा जो फर्स्ट चैनल है थिंग्स ऑफ ब्यूटी, उस पे विजिट करिएगा, बहुत अच्छे अच्छे शॉर्ट्स हैक्स वगैरह वहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। और बस इस तरह से अब मैं अपने हाई पॉइंट्स पे हाईलाइट कर लूँगी, तो ब्रो बोन को, फॉरहेड पे और इनर कॉर्नर को, चीक पे, नोज़ पे, ब्रिज ऑफ दी नोज, टिप ऑफ दी नोज़, चिन पे, जहाँ जहाँ हाईलाइटिंग की नीड होती है वहाँ पे हाईलाइट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए मैं लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ, तो यहाँ पे पिंक शेड में मैंने लिपस्टिक लिया है, मैंने यहाँ पे इनसाइड का जो पैलेट मंगाया था उसी पैलेट से मैंने पिंक शेड पिक किया और लगा लिया। और अंत में मैं मेकअप सेटिंग स्प्रे से अपने फेस को सेट करूंगी ताकि जो मेरा मेकअप है लॉन्ग स्टे करे। टन टन, ये रहा मेरा फाइनल लुक। सो यहाँ पे ये व्हाइट प्लेन बैंगल झुमका के साथ मेरा लुक कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके बताना। साड़ी झुमका मीशो का है, मैंने काफ़ी टाइम पहले ही लिया था, रक्षाबंधन के लिए मैंने ये लुक क्रिएट किया है जो कि परफेक्ट है। आने वाले फेस्टिवल में भी आप इस वाले लुक को क्रिएट कर सकते हो, अभी तीज आने वाली है ना, तीज पे भी ये लुक क्रिएट कर सकते हो। जो काजल मैंने ब्लू लगाया, ग्रीन, या फिर अपने ड्रेस से मिक्स मैच करता लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे इस तरह से हेयर स्टाइल बनाया क्योंकि रक्षाबंधन पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, तो डे के लिए मैंने सोच के ये हेयर स्टाइल करी जो कि इस लुक पे बहुत ज़्यादा चार चांद लगा रही है। तो आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, एंड पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। बाय बाय।